गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज नया टॉपिक लेकर हम आप लोगों के सामने हैं, क्लास 8 का हिस्ट्री। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है हाउ वेयर एंड व्हेन, एक शॉर्ट ब्रीफ। ठीक है, इससे पहले की क्लास में आपने क्लास 6 से ही अपने सोशल स्टडी को तीन पार्ट में डिवाइड करके देख चुका, मतलब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ठीक है, तो बेसिक समझ जो होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, वो आपको इससे पहले मिल चुकी है। मेनली क्लास 8 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा इंडियन हिस्टोरियन जो भी है उन्होंने हिस्ट्री को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ना एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 का, हाउ वेयर एंड व्हेन। ठीक है, जैसा इस चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है, ये नाम से ये स्पष्ट है कि हाउ, कैसे, वेयर, कहां एंड व्हेन, कब। ठीक है, कुछ एक बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हिस्ट्री मेरा बोरिंग सब्जेक्ट है ना, वो पढ़ना नहीं चाहते बिकॉज ये डेट सेंट्रिक होता है, दैट इज बहुत ही ज्यादा हमें डेट्स याद रखने होते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। History is the story of our past. History क्या है? हमारे past का एक story है। और अपने past के बारे में जानना जितना interesting होता है, maybe किसी और चीज़, कोई और चीज़ भी उतनी interesting नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर history की बात हुई, ठीक है, तो आप जो mathematics पढ़ो, science पढ़ो, otherwise कुछ भी पढ़ो, हर एक का अपना history है। Do you know? हर एक की अपनी history है। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? कोई भी चीज, अगर साइंस में ही किसी चीज का आविष्कार हुआ तो क्या वो आविष्कार अचानक हो गया? रात को भगवान ने आया और सपने में कह दिया ये फॉर्मूला है, ले जाकर बना ले और सुबह बन के तैयार हो गया? नहीं, उसका भी क्या है, अपना एक इतिहास है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी आवश्यकता महसूस हुई होगी, वो परिस्थिति क्रिएट हुई होगी, वो सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, जिस सिचुएशन में उसे कुछ नया करने का समझ आया होगा। जैसे जब लोग कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैदल पहले जाया करते थे, फिर उन्हें गाड़ी की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने पहिए का आविष्कार करा, फिर उससे भी तेज गाड़ी की आवश्यकता महसूस हुई तो फिर बाद में बाइसिकल, बाइक, क्या, ट्रेन, एरोप्लेन, सारी चीजें बनी। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थिति क्रिएट हुई जो वो उन चीजों को क्या किया, बनाने के लिए प्रोवोक किया, है ना। तो उन चीजों का भी, जैसे चलो रेलवे की बात कर लेते हैं, तो रेलवे का भी अपना ही क्या है, इतिहास है, कब से वो शुरू हुआ, जेम्स बॉन्ड ने कैसे पहले डीजल इंजन, सॉरी ये स्टीम इंजन बनाया, फिर डीजल इंजन एंड देन इंप्रूव होते गया और आज इलेक्ट्रिक इंजन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। अब तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या है, वो भी उसका क्या है, एक हिस्ट्री है। तो ये एक चीज हम बता रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये कभी भी बोरिंग नहीं होती है। हाँ, और कोई किसी चीज को बोरिंग और इंटरेस्टिंग आपका पार्टिसिपेशन बनाता है। अगर आप इन चीजों में पार्टिसिपेट पूरे दिल से करते हैं, आपका पार्टिसिपेशन 100% यहाँ होता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में होता है, देन डेफिनेटली वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप अपनी पार्टिसिपेशन हटा देते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो फिर वो क्या होगी, बोरिंग होगी, है ना। तो चलो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, हाउ वेयर एंड व्हेन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, और आपकी पार्टिसिपेशन पूरी मिलेगी। तो फुल्ली मेंटली प्रिपेयर होकर के पार्टिसिपेट करें एंड इन चीजों को ध्यान से समझें। ये सबसे जैसा कि मैंने कहा कि नाम से ही क्लियर है, हाउ वेयर एंड व्हेन, दैट मींस कैसे, कहां और कब, है। तो ये चीजें, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की जो ये शुरुआत है, सेल फर्स्ट लाइन है आपका, जो कि आपकी हेडिंग है हाउ वेयर एंड व्हेन, ये एक्चुअली में हिस्ट्री की एक बेसिक समझ आपको देती है, एक बेसिक नॉलेज देती है कि हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है और किस तरह से हम उनको पढ़े ताकि वो हमें और इंटरेस्टिंग लगे। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, डेट एंड इवेंट्स के बारे में, व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट, इसके बारे में, मेथड ऑफ प्रियराइजेशन, प्रियराइजेशन का मेथड क्या है, उसके बारे में, व्हाट इज द कॉलोनियल, कॉलोनियल जो है वो क्या है, एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है। एक शॉर्ट ब्रीफ देखते हैं, जैसे डेट एंड इवेंट्स, ठीक है, तो ये जो डेट और इवेंट्स है ये कैसे हिस्ट्री को बनाते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग इसी वजह से तो हिस्ट्री पढ़ने से मना करते हैं, डेट बहुत याद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन देखो, डेट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई घटना, कोई इवेंट हुई
पर्टिकुलर टाइम पे हुआ होगा, है ना, किसी ना किसी टाइम पे हुआ होगा। वो जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, वो जो डेट्स होगा, तो वो हमें याद रखनी है। बट क्या हर एक जितने भी काम हुए हर एक के डेट हमें याद रखना है? नहीं बेटा, डेट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट। डेट जो है हमेशा इवेंट्स के इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डेट कब याद रखना है या फिर कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना जरूरी है, ये चीजें डिसाइड करती है वो इवेंट्स, है ना, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने लाइफ में ना जाने कितने सारे इवेंट्स किए होंगे, है ना, बट हम तो हमें किनका डेट याद रहता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की आजादी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन इवेंट्स का डेट हम लोग याद रखते हैं, है ना। जैसे भगत सिंह को, भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, तो भगत सिंह ने ना जाने अपने लाइफ में कितने सारे कारनामे, कितने सारे काम किए होंगे, क्या हर एक डेट याद है? नहीं। बट जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका, सौरभ की हत्या की, जब उनको फांसी पे चढ़ाया गया, ये सारे डेट्स हमको याद रखते हैं, याद रखते हैं, या फिर हिस्ट्री में क्लियरली ये मेंशन होता है वो डेट, ठीक है, तो वो हमें याद भी रखते हैं। दैट मींस डेट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इवेंट्स। वो जो डेट है वो हमेशा क्या चीज पे डिपेंड करता है? इवेंट्स का। इसका मतलब ये, हिस्ट्री इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ ओनली डेट्स, है ना, हिस्ट्री जो है सिर्फ डेट्स का कलेक्शन नहीं है, इट इज ऑल्सो ए रिकॉर्ड ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। ये जो है डेट और इवेंट्स का जो है रिकॉर्ड है वो क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है। अब देखो, विच डेट टू बी कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा डेट इंपॉर्टेंट होगा वो उसके इवेंट के इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो एक बात और जो यहाँ पे जरूरी है, डेट्स में भी दो होते हैं, एक तो हो गया डेट, एक्चुअल डेट, ठीक है, एक क्या हो गया डेट हो गया, और दूसरा होता है टाइम पीरियड। दूसरा क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड। एक क्या होता है डेट और दूसरा हो गया टाइम पीरियड। देखो, डेट उस घटना के लिए है जो पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इवेंट भी होगी जो उस दिन हुआ और उसी दिन खत्म हो गया, ठीक है। जैसे भगत सिंह को फांसी कब चला दी गई थी? 23rd of March 1931। दैट मींस वो जो इवेंट था वो उस दिन का ही इवेंट था और वो इंपॉर्टेंट इवेंट था। बट टाइम पीरियड क्या शो करता है? टाइम पीरियड एक लंबे समय को, एक लॉन्ग टर्म को शो करता है, उसे इंटरप्रेट करता है टाइम पीरियड। जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन क्या एक दिन हुआ था, एक ही दिन में हमें स्वतंत्रता मिल गई थी? नहीं, वो एक लंबा समय था, लंबे समय तक हमें अपनी आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करना पड़ा, एंड देन जाकर के हमें फ्रीडम मिली थी। तो वो जो 200 साल का, 250 साल का जो वो जो समय था वो क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। जैसे आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन, वो क्या है? एक डेट है, है ना। और अगर आप 5 साल तक के हो गए हो तो जो टाइम पीरियड आपने अपने लाइफ में बिता चुके हैं वो जो 5 साल है वो क्या है? टाइम पीरियड है। अब 20 साल हो चुके हैं तो कितना टाइम पीरियड आपका निकल चुका है? 20 ईयर निकल चुका है। तो ये डिफरेंस होता है डेट एंड टाइम पीरियड में, हिस्ट्री में। तो अब आपको समझ में आया हिस्ट्री में डेट कहां पे मेंशन होगा एंड टाइम पीरियड किस चीज के लिए मेंशन होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। पीरियडाइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, ठीक है। ये जो पीरियडाइजेशन की स्टार्टिंग है वो कहां से होती है, एंड देन पीरियडाइजेशन का जो स्टार्टिंग किया था वो जेम्स मिल साहब ने किया था। किन्होंने किया था? जेम्स मिल साहब ने किया था। तो वो उन्होंने किस तरह से पीरियडाइजेशन को डिस्क्राइब करा या फिर उनके बारे में बताया और किस तरह से पीरियडाइजेशन का जो पीरियड था, पीरियडाइजेशन दैट मींस, पहले तो ये समझ लीजिए पीरियडाइजेशन, मैंने भी बताया टाइम पीरियड, इसी से बना है पीरियडाइजेशन, है ना। एक प्रॉपर पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है उस टाइम पीरियड के बारे में, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को हम अभी मैंने क्या बताया, 3 तरह की हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, वो क्या है? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो उसका एक टाइम पीरियड है। तो यू आर पीरियडाइजेशन, ये जो मेथड है डिवाइडिंग टू द टाइम पीरियड, दैट प्रोसेस इज पीरियडाइजेशन। वो जो प्रोसेस है जब हम इतिहास को टाइम पीरियड में बांटते हैं वो क्या कहलाता है? पीरियडाइजेशन। एंड पीरियडाइजेशन इज नॉट ओनली ड्यू टू द डेट, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन
लिबरलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ डेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने डेट के अकॉर्डिंग लिबरलाइजेशन किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने इवेंट के अकॉर्डिंग लिबरलाइजेशन किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने रिलीजियस के अकॉर्डिंग लिबरलाइजेशन किया। जो ये रिलीजियस उस वक्त चल रही है तो ये इनका पीरियड है, ये रिलीजियन इस रिलीजियन का पीरियड है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से लिबरलाइजेशन किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल जो होता है कॉलोनी वो क्या होती है, ठीक है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में कॉलोनी वो होता है, कॉलोनी मतलब वो होता है जिस वक्त क्या है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पर सोशली इकोनॉमिकली उस पर इफेक्टिव हो जाता है या फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसकी इकोनॉमी उसकी सोशल उसकी पॉलिटिकल पावर किसी दूसरे देश के अंदर में चली जाती है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, कॉलोनियल या कह सकते हैं कॉलोनियलाइजेशन, ठीक है। एंड देन थर्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, मतलब इतिहास अगर लिखा गया है, इतिहास के बारे में हमें एक पूरी समझ दी गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि इतिहास किसी ने उठा और लिख दिया है ना, इतिहास जो है किसी न किसी एविडेंस के बेस पर लिखे गए होंगे, अपनी मर्जी से तो लिखे नहीं गए होंगे कि कोई उठे और कुछ भी लिख दे, है ना। तो वो जो सोर्स है किस किस सोर्सेस से हमने हिस्ट्री को कलेक्ट किया है, हिस्ट्री को लिखा है, उन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग प्राचीन आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता अभी। और बहुत सारा मॉडर्न हिस्ट्री खास करके जो है एंड देन मेडिकल हिस्ट्री, उसमें क्या है हम लोग को रिटन एविडेंस मिल जाता है, बट एंशियंट हिस्ट्री में ज्यादातर रिटन एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो ये नहीं है कि ये जो हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एविडेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होती है किसी जगह की खुदाई हुई उस जगह का पता चला है ना, तो वहां पर क्या क्या चीज पाए गए उन चीजों को देख करके एक आइडिया लगाया जाता है कि ये चीज इस समय में हुआ होगा। जैसे हड़प्पा के टाइम आपने पढ़ा होगा कि इंसान के साथ कुत्ते के सर के भी प्रमाण मिले थे, दैट मींस उस वक्त क्या था, डॉग क्या था, एक पेट एनिमल था, दैट मींस ये प्रिडिक्टेबल होता है, लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये चीजें मिली तो अंदाजा लगाते हैं कि ये चीजें हो सकता है। अगर उस वक्त लोहे का औजार मिला या तांबे से बनी हुई वस्तु मिली, दैट मींस वो लोग तांबे से परिचित थे। अगर किसी काल में कोई ऐसा जगह मिला जहां पर पत्थर के औजार मिले और पत्थर से किसी चीज को ऐसे औजार मिले, नुकीला औजार मिले जिससे किसी को मारा जा सकता है, दैट मींस वो आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो औजार थे ये हथियार के रूप में यूज होते थे या फिर इनसे हंटिंग किया जाता था, शिकार किया जाता था। तो वो जो सोर्सेज है उन सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक शॉर्ट ब्रीफ था, ठीक है। अब देखो हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया डेट्स कितना इंपॉर्टेंट है, इवेंट के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक प्रॉपर या फिर कोई भी जो फेमस इवेंट होता है उसको उसके डेट से हम लोग याद रखते हैं कि ये इवेंट कब हुआ था, और ये हमारी जानकारी के लिए हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था किस समय हुआ था। अगर हमको डेट का पता नहीं होगा उसके टाइम का पता नहीं होगा तो कैसे समझ पाएंगे कि इस पीरियड का संबंध उस समय से था किस समय से था, ये चीज को हम नहीं समझ पाएंगे। उस समय में आज से 200 साल पहले 100 साल पहले या 500 साल पहले या हजारों साल पहले क्या चल रही थी, जब तक हमें डेट के बारे में नहीं पता होगा तो हम सिर्फ वो इवेंट्स जान करके भी कोई फायदा नहीं कि वो इवेंट्स ये इवेंट्स चल रहा था, बट कब चल रहा था उसका क्या इंपॉर्टेंस था उस टाइम में, इन चीजों को जानने के लिए डेट का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही जरूरी है। एंड देखो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, तो मैंने अभी आपको बताया ये सब चीजें जो मैंने बताया एक तरह से क्या है कंपैरिजन है, ऑल अबाउट कंपैरिजन, पहले जो भी चीज हर एक चीज का हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, खास करके एंशियंट हिस्ट्री में जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है उनका क्या किया जाता है कंपैरिजन किया जाता है। एंड देन कंपैरिजन दैट मींस ये नहीं कि यहां का इतिहास, जैसे कोई एक टाइम पीरियड है जिस समय भारत की स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी है ना, फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, उस बार क्या था यूएसए ऑलरेडी एक फ्रीडम कंट्री था है ना, दूसरे दूसरे भी कई सारे देश थे जो अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या कुछ ऐसे देश भी थे नेपाल जैसे जो जिनको कभी जिन्होंने कभी जो कभी गुलाम हुए ही नहीं है ना, और कुछ ऐसे भी देश थे जो हमारे बहुत बाद में जाकर के क्या हुआ उनको स्वतंत्रता मिली, ठीक है, या फिर अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग तरह के रिवॉल्यूशन अलग अलग कंट्री में चल रहे थे। जिस वक्त हमारे यहाँ फ्रीडम को लेकर फाइटिंग चल रही थी उसी समय 1917 के आसपास इंडिया में सॉरी रशिया में क्या चल रहा था, रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में बाय द कंप्लीट में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कंपेयर करने की चीज है कि उस टाइम में हर एक जगह की अपनी अपनी अलग इतिहास होती है, किसी का अपना एक
मतलब एक इतिहास नहीं होता है। मैंने क्या कहा, अगर हर जगह एक जैसा तो हो नहीं सकता है, हर एक जगह का अपना एक इतिहास होगा। और दूसरी बात, इतिहास लिखने के जो तरीके होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू स्टाइल के होते हैं, ठीक है। देखो क्या, एक तो डेट सेंट्रिक और दूसरा इवेंट बेस, ठीक है, डेट सेंट्रिक एंड इवेंट बेस। दैट मींस कुछ इतिहास लिखने का स्टाइल होता है, वो रिकॉर्ड करने का स्टाइल होता है डेट सेंट्रिक, दैट मींस उनमें मेन फोकस डेट पर किया जाता है। जैसे 1800 ईस्वी से लेकर, सपोज करो 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, ठीक है, इस पीरियड में जब आप आगे के इतिहास देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड था ये रेनेसेंस ऑफ इंडिया कहलाता था, भारत का पुनर्जागरण था, ठीक है। तो ये 1800 से 1900 ईस्वी में देखोगे इसी टाइम पीरियड में, ये एक प्रॉपर टाइम पीरियड था, ये डेट बेस्ड है। इस डेट में क्या हुआ, लगातार एक के बाद एक जो है सोशल रिफॉर्म बढ़ा है, ठीक इसी 100 सालों में एक से एक सोशल रिफॉर्म बढ़ा है। तो वो सोशल रिफॉर्मर कैसे आए उस वक्त, इसका मतलब है उस वक्त जो यहाँ की सोसाइटी में चल रही थी उस वक्त हमारे समाज को इम्प्रूव करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, वो जो आवश्यकता थी, वो जो परिस्थिति थी, वही चीज महसूस कर रही। और इसी बीच में राजा राम मोहन राय आते हैं, दयानंद सरस्वती आते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं, ठीक है, एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, आत्मानंद बंधुन आते हैं, है ना, ये सब के सब क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। तो ये जो टाइम था, ये जो टाइम है, इसका मतलब क्या है, ये हिस्ट्री डेट बेस्ड है 1800 से लेकर के 1900 तक। बट इसके ठीक दूसरे पहलू से हम देखते हैं, ठीक है, इसके ठीक दूसरे पहलू से देखते हैं, जो यहाँ लिखा है इवेंट बेस, इसी चीज से हम समझते हैं। उसी वक्त क्या था, वो जो रेनेसेंस हो रहा था, रिफॉर्मर जो आ रहे थे, तो हम इसको डेट से ना देख करके एक रिफॉर्मर के तरह से दूसरे तरीके से देख सकते हैं, ठीक अदर साइड से, कि हम ये कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेनेसेंस हो रहे थे, दैट मींस पुनर्जागरण हो रहा था, एंड सो मेनी सोशल रिफॉर्मर्स कम टू इंडिया, कम टू इंडिया नहीं कह सकते हैं, मतलब कि इंडिया आए नहीं थे, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे रिफॉर्मर बॉर्न हुए, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर जो भी थे, समाज सुधारक, वो उस समय बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ने जन्म लिया और समाज को सुधारा। तो ये हम इवेंट के बेस पर, इवेंट के तरीके से देख सकते हैं। इसका मतलब यही हमको बताना चाह रहे थे कि टू स्टाइल ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, एक तो डेट सेंट्रिक और दूसरा इवेंट बेस्ड, या तो डेट सेंट्रिक होगा या फिर इवेंट बेस्ड होगा। अब हम पीरियडाइजेशन के बारे में देखेंगे, पीरियडाइजेशन को हम लोग, ये तो शॉर्ट ब्रीफ मैंने बताया था, ठीक है, अब हम लोग एक एक करके टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस समय क्या हुआ, और ये डेट और ये पीरियडाइजेशन, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम क्या था, इन सब सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या थी, इन सब चीजों के बारे में हम बैकग्राउंड ब्रीफ में देखते हैं। देखो एक हाथ धोने एलिमेंट्स, ठीक है, एंड वन पीरियडाइज की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, ये जो था और कैसे हम लोगों ने पीरियडाइज किया, इसके इतिहास देखते हैं, पीरियडाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, ठीक है। 1817 में जेम्स मिल साहब आए, ठीक है, कौन लिख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखता हूं नोट कर लिया करना। 1817 में कौन है, जेम्स मिल नाम था बेटा, चीनी मिल नहीं, जेम्स मिल, क्या थे ये, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, क्या थे ये, स्कॉटिश, दैट मींस स्कॉटलैंड के थे और इकोनॉमिस्ट थे। 1817 में वो भारत आए और उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में देखा और देखा कि ये जो इतिहास है बिखरे पड़े हुए हैं, ब्रिटिशर्स अपने तरीके से अपना रिकॉर्ड रखते हैं और इंडियंस, वो ज्यादातर इंडियंस जो थे वो प्रिमिटिव नहीं थे, वो लोग जो थे सो पढ़े, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने वो पहले का जो इतिहास था उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि उस रिकॉर्ड को कलेक्ट करना शुरू किया, और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने
एक इतिहास लिखा और उस इतिहास को पीरियडाइजेशन किया, पीरियडाइज किया उसको, दैट मींस इतिहास को उन्होंने अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया, और इन्होंने जिस अलग अलग पीरियड में ये जो डिवाइड किए थे उसमें मेन क्या था वो देखना, किंतु इनके पीरियडाइजेशन करने का जो मेथड था जेम्स स्मिथ साहब का, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, और क्या था, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, और इनकी बुक थी जिस बुक में इन्होंने रियलाइज किया था उस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, कौन थे, स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे जेम्स स्मिथ, जो 1817 में भारत आए और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यह हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इन्होंने इतिहास को पीरियडाइज करने का कह सकते हो एक तरह से एक फॉर्मूला दिया, एक तरीका उन्होंने निकाला, और उन्होंने इतिहास को क्या किया अलग अलग पीरियडों में बांटा पहले, और लेकिन उनका जो ये पीरियड जिस पीरियड में उन्होंने बांटा उस पीरियड को बांटने का तरीका क्या था, उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री कहा था, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं कहा था, उन्होंने इस पीरियड में बांटा था हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, क्या हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, और इन्होंने ही वो आइडिया दिया था, जेम्स मिल ने आइडिया दिया था क्या चीज का, हिंदू मुस्लिम सॉरी पीरियडाइजेशन का, यहीं से पीरियडाइजेशन की शुरुआत होती है, और इन चीजों को उस वक्त बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया गया, ये जो पीरियडाइजेशन की है तो उस वक्त सबने क्या किया बहुत ज्यादा वाइडली, मतलब हर एक जगह उन्होंने हर एक जगह लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि पहली बार उन्होंने इस तरह से इतिहास को एक अलग अलग टुकड़े में बांट करके एक पीरियड में बांट करके उन चीजों को लिखा था या फिर उनका रिकॉर्ड तैयार किया था, है ना, तो लोगों ने बहुत सारे एक्सेप्ट किए, लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे लोगों को समझ में आई कि ये जो पीरियडाइजेशन करने का जो जेम्स स्मिथ साहब का तरीका था ये शायद ठीक नहीं था, और बाद में ये बात सही भी साबित हुई कि ये जो पीरियड है ये इस तरह से पीरियडाइजेशन करना ठीक नहीं है, एक्चुअली आप अगर गौर से देखो तो ये जो है पीरियडाइजेशन करना डिवाइड करना दैट मींस सोसाइटी को क्या चीज के अकॉर्डिंग उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग करना था, जैसे हिंदू इंडिया में जो थे हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स दैट मींस क्रिश्चियन, है ना, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो डिवीजन था एक रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या है डिवीजन था जो कहीं भी ठीक नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने इतिहास लिखा होगा और हिंदू के हिंदू काल का जो टाइम होगा उसका जो वर्णन इसमें होगा दैट मींस उसमें मेन सेंटर में जो होंगे मेन फोकस किन पर होगा, हिंदू रूलर्स जो होंगे या फिर हिंदू पीपल जो होंगे उन पर, तो ऐसा तो नहीं है जिस वक्त जिस काल को इन्होंने हिंदू काल में लिखा उस वक्त मुस्लिम की कोई अस्तित्व नहीं थी, उनका कोई अपना लाइफ स्टाइल नहीं था, उनके जीने का कोई ढंग नहीं था, या फिर उनके जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, मकसद नहीं था, इसका मतलब तो यही हुआ, तो ये चीजें क्या थी ठीक नहीं थी। अगर उन्होंने सेकंड जब मुस्लिम को लिखा तो क्या हुआ सेंटर में कौन आया मुस्लिम आ गया, अब उन्होंने हिंदू को क्या निग्लेक्ट किया, तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा प्रिविलेजर्स प्रिमिटिव किनको दिखाएंगे किनको प्रोवोक करेंगे मुस्लिम्स को दिखाएंगे, दैट मींस ये भी तो नहीं जब मुस्लिम यहाँ पर पावर में आए तो उस वक्त हिंदू के पास कुछ भी नहीं था उनके जीने का कोई तरीका नहीं था, दैट मींस जब एक रिलीजन पर स्पेसिफिक फोकस किया जाता है तो दूसरे रिलीजियस जो होते हैं उनके कल्चर के बारे में उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमें जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, एंड देन जब वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आते हैं और ब्रिटिशर्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं दैट मीन कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स के पावर को शो करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में दिखाएंगे उनको मेन सेंटर में रखेंगे उनकी अच्छाइयां दिखाएंगे, इसका मतलब ये भी तो नहीं उस वक्त इंडिया में हिंदू और मुस्लिम थे उनका कोई अस्तित्व नहीं था या फिर उनका रहना बेकार था उनके लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था इस कंट्री में, ये बात तो नहीं है, तो इसीलिए इन चीजों को क्या किया गया जेम्स स्मिथ के द्वारा जो पीरियडाइज किया गया था इसको सही नहीं माना गया, ठीक है, और बाद में ये जाकर के चेंज हो जाता है और हमारे इंडियन हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को तीन अलग पार्ट में डिवाइड किया और वो पार्ट क्या था मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन सॉरी मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ये तीन पार्ट जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आज भी हमारे देश में जो ये इतिहास चलता है उसके तीन यही पार्ट बने हैं, है ना, कि कौन सा एंशिएंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री।
ठीक है। अब इनके पर्सपेक्टिव के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज तो आप समझ गए। इन चीजों में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो था, ये प्रॉब्लम जो था जेम्स मिल साहब का, जो पीरियडाइजेशन था, इसमें अगर कोई पूछे कि प्रॉब्लम क्या थी, तो पहली प्रॉब्लम क्या थी जेम्स मिल साहब के पीरियडाइजेशन में, ठीक है, जेम्स मिल का जो ये पीरियडाइजेशन था, जेम्स मिल साहब का पीरियडाइजेशन, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये रिलीजियन बेस्ड था। क्या था ये? रिलीजियन बेस्ड था, है ना? रिलीजियन बेस्ड कैसे था? मैंने बताया ना कि देखो कैसे इन चीजों को खास तौर क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये हिस्ट्री मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर था, आपको कैसे ये कैसे था, उन्होंने इस तरह से कैसे इतिहास को लिखा होगा, इसका मतलब आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि जब हिंदू के बारे में लिखा तो शुरू से लेकर के और आज तक की कहानी, या फिर कह सकते हो 100 साल पीछे तक की कहानी, जब तक कि ब्रिटिशर्स थे उस वक्त तक सिर्फ हिंदू की कहानी को समेट के एक जगह कर दिया, मुस्लिम की कहानी एक जगह कर दिया, एंड देन ब्रिटिशर्स की कर दिया, नहीं, बात वही है, ठीक है, जिस तरह से हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं, मॉडर्न में पढ़ते हैं, बट वो जो डिवाइड डिवीजन है हिस्ट्री का, वो एक प्रॉपर डिवीजन है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, बट अकॉर्डिंग टू रिलीजन दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री, ये जो है हिस्ट्री का प्रॉपर डिवीजन नहीं है, ठीक है। और इससे क्या होता है, दूसरे क्लास के जो लोग होते हैं उनके बारे में पता नहीं चलता है, और ये किसी एक रिलीजन पर सेंट्रिक हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, उन पर फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया हिंदू, आपको पता होगा मुगल काल के आने से पहले भारत में हर जगह लगभग लगभग क्या थे, ज्यादातर हिंदू राजा थे, राजपूतों का राज था, या फिर हिंदू राजा अलग अलग हर एक जगह पे क्या थे, मुगल काल के आने के पहले हर जगह, चाहे आप अशोका के टाइम में देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य देख लो, नंदवंश देख लो, या फिर कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री में उठा करके पढ़ लो, वो सब क्या थे, हिंदू रूलर थे। तो उन्होंने उन सारे रूलर्स की जो हिस्ट्री थी उनको एक जगह रखा, ठीक है। देन मुस्लिम रूलर्स, दैट मींस जब 1712 के आसपास अफगान का पहला आक्रमण होता है कासिम के समय, कासिम आकर का यहां पर करता है, वहां से लेकर के और मुगल काल तक 1526 से जो स्टार्ट होती है वहां से लेकर के और लास्ट में, और सॉरी लास्ट रूलर कौन होता है, बहादुर शाह जफर, उस समय तक ये तो वो समय था, उन सारे रूलर्स की जो हिस्ट्री थी उनको उन्होंने मुस्लिम वाला जो पार्ट रखा था, हिस्ट्री का जो डिवीजन किया था, इसमें उन्होंने उन चीजों को दर्शाया। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि नॉर्थ इंडिया साइड में दिल्ली सल्तनत काल जब समय आरंभ होता है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा या फिर जाने होंगे कि दिल्ली सल्तनत का जब टाइम पीरियड स्टार्टिंग होता है, तो देखते हो वहां के जो मुगल रूलर होते हैं उनको अलग अलग जगह पर बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, और खास करके जब साउथ रीजन की तरफ आते हैं तो वहां पर मैसूर में देखो, उधर टीपू सुल्तान में, या फिर राजस्थान की तरफ चले जाओ, क्या कहते हैं, राणा प्रताप और राणा सांगाओ, तो बहुत सारे हिंदू रूलर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोविजन थे जहां पर जो क्या थे, अलग अलग हिंदू रूलर्स थे, तो वो भी वहां पर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो इसका जब उन्होंने मुस्लिम बेस्ड हिस्ट्री लिखा होगा तो उसमें पूरा का पूरा उन्होंने क्या करा होगा, जहां जहां पर मुस्लिम रूलर थे, जहां जहां पर दिल्ली सल्तनत का समय था, उनके बारे में उन्होंने फोकस किया होगा, उनको सेंट्रल में रखा होगा, और उन चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाए होंगे। तो ये क्या थी, ये इनकी एक खामी थी, प्रॉब्लम, दैट मींस इनकी एक कमियां थी, वीकनेस थी, जिसकी वजह से बाद में जो है इनको इनका जो डिवीजन करने का तरीका था उसको हमारे देश में इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड देन हम लोग क्या किए, एक अलग डिवीजन करते हैं हमारे हिस्टोरियन की, जो मैंने बताया एंशियंट मॉडर्न एंड मेडिवल हिस्ट्री के तौर पर, ठीक है। अब इससे आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।